बाबुल कर दो विदा। लेकिन एक और चीज बोल देता हूं, मैं माँ की रचना, पिता की रचना और बेटी की रचना तभी गाता हूं जब कोई बीच में से उठ के ना जाए, क्योंकि ये मैं सिर्फ किसी के दिल को बहलाने के लिए गाता, ये हकीकत बयान करता हूँ। इसलिए अब बैठना, जिसको जाना है वो एक बार में उठ के जा सकता है, 5 सेकंड देता हूँ जिसको भी जाना जा सकता है, लेकिन रचना चालू हो तो बीच में से उठ के नहीं जाए कोई भी, इस बात का ध्यान रखे। आइए चलते हैं माँ की रचना सबसे पहले, इसी टाइम का इंतजार करते हैं। और एक चीज और देखना, आदमी जाता है ना, फोन बजा कि नहीं बजा मालूम नहीं, मतलब बताना चाहता है कि मेरे फोन आया। अरे भाई जाना तो ऐसे जाओ ना, फोन बता के क्यों डरते, कौन रोक रहा है, कोई नहीं रोक पाया आज तक, जाने वालों को कोई नहीं रोक पाया। चलिए चलते हैं, माँ के लिए क्या कहता हूँ कि बहुत रोता हूँ मगर दामन मेरा नम नहीं होता। दोनों बोलता आहा, क्या बात है, तभी तो चेहरे पे ऐसी है। कहते ना कि असल से ब्याज जो होता है ना वो वाला होता है, ये ब्याज आपकी गोद में है। कि बहुत रोता हूं मगर दामन मेरा नम नहीं होता और मेरे आंसुओं के गिरने का मुझे कोई गम नहीं होता, मेरे आंसुओं का गिरने का मुझे कोई गम नहीं होता। मैं महफूज रहता हूं दुश्मनों के बीच भी, दुश्मनों मतलब आपको दुश्मन नहीं हो, मैं कह रहा हूं मैं महफूज रहता हूं अपने दुश्मनों के बीच भी, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता। जो अपने जीवन में माँ बाप का आशीर्वाद लेके घर से निकलते हैं ना, उसे और किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं होती। ये आप लिख के रखना, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, पिछले 14 साल के ऊपर हो गए, 14 से 15 साल ऊपर हो गए, लेकिन मुझे आज भी याद नहीं आता कि एक दिन भी ऐसा गया होगा कि जब मैं अपनी मम्मी के पैर छू के घर से नहीं निकलता। मिडनाइट की फ्लाइट होगी, मम्मी सो रही होगी, प्रेम में नहीं जगाऊंगा, लेकिन माँ के पैर छू के जरूर निकलूंगा, क्योंकि मुझे इस बात पे इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि एक बार तो आई हुई मौत भी टल जाए अगर माँ का आशीर्वाद साथ हो, और अगर माँ का आशीर्वाद साथ नहीं तो दुनिया में कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता था। माँ की दुआ में इतना पावर होता है, और ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ भी हुए, बहुत सारे हुए, कि जिसके अंदर लगता है कि इंसान गया, लेकिन माँ की दुआ है उसको जाने नहीं देती। और ये दौलत जिसके पास में है वो बड़े खुश नसीब है, और जिनकी दुनिया में, जिनके जीवन में माँ नहीं, उनसे जाके पूछना कि माँ नहीं होने का दर्द क्या होता है, माँ नहीं होने का दर्द क्या होता है साहब। इसलिए कहता हूँ सुनना, माँ के लिए क्या गाता हूँ, लेकिन फिर भी आदमी कदाच कठोर हो जाता है। और मुझे एक चीज बताता हूं, मैं उस दिन खुश होऊंगा जिस दिन मैं मंच से मां बाप की रचना गानी बंद करूंगा। कारण बताओ ये गाने की जरूरत क्यों पड़े साहब, आपको आपके मां बाप की रख रखाव करनी है, जैसे सिंपल सी थ्योरी है साहब, सिंपल सी बात है, आपको अपने मां बाप को रखना है, उनको प्यार करना है। मां बाप आपकी शादी होने के बाद एक सिंपल सी बात का जवाब देना, अगर ये आपका लड़का आपकी गोद में है, कब से लेके बैठे, कब से इसको प्यार कर रहे हो, आपके पापा मम्मी ने ऐसे प्यार किया होगा कभी, क्या होगा ये बताओ, इसको जरा सी चोट लग जाए तो आपका क्या हो, आपका दिल दुखे तो आपके माँ बाप का भी दिल तो आपके लिए दुखता होगा, नहीं दुखता होगा। तो शादी के बाद अगर हम अपने माँ बाप से मुंह मोड़ ले तो उनका दिल कैसे दुखता होगा। और ये आने वाली बहुएं जो भी होती है, मैं ये नहीं कहता कि आपकी वजह से घर टूटते हैं, लेकिन ये भी इतिहास में लिखा गया है, एक घर औरत ही बनाती है और एक घर औरत ही बिगाड़ती है। जिस तरह आपको आपका बच्चा प्यारा है, 5 मिनट स्कूल से लेट आने में हो जाए बच्चे को तो आपका मन ऊपर नीचे हो जाता है, उसी तरह आपका पति भी किसी का बेटा है,
इस बात को कभी मत भूलिए। आप जब पैदा होने के बाद में आपके माँ बाप ने आपको चाहा, आपके बच्चों को आप चाह रहे हो इस तरह गोद में लेके बैठो, आपके माँ बाप भी लेके बैठे थे। इस बात को हर पल याद रखना, तो कभी कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से जुदा नहीं होगा और कोई परिवार नहीं टूटेगा। किसी घर के अंदर माँ बाप के साथ में अव्यवहार नहीं होगा। जब भी ऐसी बात आए तनिक सोचना कि जब मैं छोटा था, बस थोड़ा फ्लैशबैक जाना, जब मैं छोटा था ऑटोमेटिकली आपको हल मिलेगा, किसी गाय को उठने का काम नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी कहता हूँ सुनना, वाले हैं जो माफी करे भक्ति की, तकदीर वाले हैं जो माफी करे भक्ति, भगवान मिल जाते तकदीर वाले हैं जो माफी करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माफी करे भक्ति, भगवान मिल जाते, भगवान मिल जाते पर मांग ही मिलती, तकदीर वाले हैं जो माफी करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माफी करे भक्ति। जब भगवान महावीर माँ शिशिला की गर्भ में आए, तो बच्चा जब अंदर हिलता है ना, तो माँ को संतुष्टि होती है कि बच्चा अंदर सुरक्षित है। लेकिन भगवान ने देखा कि मेरे हिलने से मेरी माँ को तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो उन्होंने अंदर हिलना बंद कर दिया। जब भगवान ने हिलना बंद किया तो माँ को तो और ज्यादा बेचैनी हुई कि बच्चा अंदर हिल क्यों नहीं रहा। तो भगवान तो तीन ज्ञान के धनी होते हैं, जन्म से पहले ही तीन ज्ञान के धनी होते हैं। उन्होंने देखा कि मेरे हिलने और ना हिलने से मेरे माँ बाप को इतनी तकलीफ होती है, तो जब मैं संसार में आऊंगा, संयम ग्रहण करूंगा, तो मेरे माँ बाप पे क्या गुजरेगी। तब भगवान महावीर ने गर्भ में अभिग्रह किया कि जब तक मेरे माँ बाप इस संसार में रहेंगे, तब तक मैं संयम ग्रहण नहीं करूंगा। हम किसकी संतान है? महावीर की। अगर आप और हम अपने माँ बाप का अनादर करते हैं, तो माँ बाप का अनादर नहीं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट महावीर का अनादर है। इस बात को ध्यान रखना। आप भगवान को ठुकरा रहे हो अगर आप अपने माँ बाप को ठुकरा रहे हो। अगर आप अपने माँ बाप को गाली दे रहे हो, यानी कि सीधी की सीधी वो किसको लग रही है? भगवान महावीर को लग रही है। इसलिए सुनना, ब्रह्मा लिख डाला विष्णु ने कह डाला, माँ बाप के बारे में महावीर ने रच डाला, माँ बाप के बारे में महावीर ने रच डाला। फिर भी महिमा मेरी मैया की, महिमा मेरी मैया की पूरी नहीं होती, महिमा मेरी मैया की पूरी नहीं होती, भगवान मिल जाते, भगवान मिल जाते पर मां नहीं मिलती, तकदीर वाले हैं जो माफी करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माफी।
यहाँ पे कोई लड़के बैठे जिनकी मम्मी इधर बैठी है, जिसकी मम्मी यहाँ बैठी बात करा दो। आप खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। और किसकी है मम्मी? खड़े हो जाओ सर। कहाँ है मम्मी? लिख जाओ, मम्मी के पास जाओ, जल्दी बाकी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, मम्मी को लेके आओ, खड़ा करो मम्मी को लेके आओ। भावना के संपूर्ण लाभार्थी नागौर नगर परिषद के यशस्वी सभापति श्री कृपा राम जी सोलंकी, अखिलेश प्रवीण आरना सोलंकी परिवार की तरफ से है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। देखिए जीवन के अंदर मैंने कहा ना, ऊपर आना है, मंच के ऊपर आना है, मंच के ऊपर आना है। कहां से आने का है? आओ आगे से आ जाओ, स्टेज के ऊपर नहीं, नीचे नहीं, नीचे क्या, मम्मी के साथ में नीचे। जो माँ आपको हमेशा आगे देखना चाहती है, उस माँ को नीचे रखना चाहते हो। जय जिनेन्द्र। बेंगलुरु से सीधे हमारे सुशील भाई सामने हैं, हमारे साथ लाइव देख रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हाँ बोली सुनी नहीं करूंगा, दो मिनट, दो मिनट। और श्रेयस बाबू एक बार, आपकी मम्मी ना आपकी यहाँ पे नहीं, घर पे है, लेकिन आपका धन्यवाद मैं कर देता हूँ। आपने मुझ पर विश्वास करके, आप मेरे फॉलोअर्स हैं, आप मेरे को सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भगवान हमेशा आपको बहुत तरक्की दे जीवन में। मेरा जितना नाम है, मेरा जितना काम है, उससे हजार गुना आपका भविष्य में हो, ये मैं दुआ करता हूँ परमात्मा से। और आइए हाँ थोड़ा कहिए, सब दिखे वैसा खड़े हो जाओ ना, अपने अपने मम्मी के साथ खड़े हो जाओ, अपने अपने मॉम के साथ खड़े हो जाओ, एक साथ नहीं खड़ा होना, अपने अपने मम्मी को लेके खड़े हो जाओ। और जो बहुत बड़ा स्टेज है, थोड़े थोड़े दिखे जाओ, सब दिखे स्टेज पर, आगे थोड़ा आगे आओ, हाँ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे देखिए आपका नाम क्या? अरविंद। अरविंद मम्मी के साथ में आप सब स्टेज पे खड़े हो, माँ के साथ में आप स्टेज पे खड़े हो। ये वही माँ है जिसने बचपन से लेकर अभी तक आपके हर ख्वाहिश को पूरा किया है। माँ बाप ने अपने पास कुछ है कि नहीं ये वो नहीं देखा, लेकिन आपकी ख्वाहिशों का कभी गला नहीं खोटा आपकी मम्मी ने। लेकिन अनुमान इस दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, बेटे जब बड़े हो जाते हैं अपने आप को होशियार समझने लग जाते हैं। ये इस दुनिया का दस्तूर चल रहा है। वहां तक तो ठीक था, लेकिन शादी के बाद है उनका रूप रंग व्यवहार सब और भी बदल जाता है। और जब वो बदलता है तब मैं कहता हूं सुनना, बेटे बदल जाए पर मां नहीं बदले। बचपन को याद करो, छोटे थे ना जब, छोटे थे बच्चे तब माँ के लिए लड़ते थे, मम्मी मेरी है, मम्मी मेरी है। और वही बेटे जब बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तो वापस घर में लड़ाई होती है, और फिर वो लड़ते किस लिए, कि माँ तो तेरी है। बस आप प्यार में कहाँ बदलाव आ गया, माँ ने तो कभी ये बदलाव नहीं किया। शादी हुई वहां तक भी और उसके बाद भी माँ के लिए तो आप एक जैसे थे, लेकिन आपकी नजरों में माँ बदल जाती है, पिता बदल जाता है, वो तेरा तेरा होने लग जाता है। रोने दीजिए मम्मी के आंख में आंसू, आने दीजिए, आपके भी आ रहे हैं, आने दीजिए। ये प्रेम के आंसू है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। हमारे जीवन के अंदर बहुत सी बार बताता हूँ, जीवन के अंदर अगर संबंध टूट रहे हैं ना, उसका सबसे बड़ा रीजन है हम एक दूसरे से मिलना छोड़ रहे हैं। हम जितना मोबाइल के अंदर टाइम देते हैं ना, उतना अगर हमने परिवार में टाइम दिया था तो कोई परिवार कभी नहीं टूटता था। हम मोबाइल के अंदर 24 घंटे के अंदर से 12 घंटे अपने मोबाइल को दे देते हैं, हर टाइम मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसके ऊपर इंसान रात को 2-2 बजे 3-3 बजे ऑनलाइन मिलता है, मैसेजेस पे 3 बजे ऑनलाइन मिल रहा है आदमी, लेकिन घर के अंदर ऑनलाइन नहीं है।
मम्मी यहाँ बैठी है, पापा वहां बैठे हैं, बच्चे वहां बैठे हैं, सब अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। 2,500 किलोमीटर दूर व्यक्ति से पूछते हो कि खाना खाया कि नहीं खाया, लेकिन कभी अपने माँ बाप से पूछा है कि मम्मी पापा खाना खाया कि नहीं खाया, कभी माँ बाप से पूछा कि मम्मी पापा आपको कोई तकलीफ है कि नहीं है, कभी माँ बाप से पूछा कि मम्मी आपको कोई दवाई की जरूरत है कि नहीं है, कभी पूछा है, कभी 15 मिनट आधा घंटा माँ के पास बैठे हो, रोज कितने दिन ऐसे बैठे हो यहाँ सभा में, हाथ उठा के अगर ईमानदारी से बताना, रोज मम्मी पापा के पास में 1 घंटा बैठने वाला व्यक्ति बताओ कि रोज 1 घंटे तक मैं मम्मी पापा के पास बैठ के बात करता हूँ, 1 घंटे तक मैं रोज बैठता हूँ माँ बाप के पास डेली, ये मेरा रूटीन है, इसमें मैं बदलाव नहीं लाता। इतनी सभा में खाली 7-8 हाथ उठ रहे हैं, क्यों भाई? माँ बाप तो आपके लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं और हम समय नहीं दे सकते माँ बाप को, इसलिए कहता हूँ सुनना, माँ और बाप और बेटों के रिश्ते के अंदर कहाँ फर्क आता है, बेटे बदल जाए पर माँ नहीं बदले, बेटे बदल जाए पर माँ नहीं बदले, बेटों का दुख देखे माँ के आंसू ही निकले, बेटों का दुख देखे माँ के आंसू ही निकले, माँ एक नजर से देखे। कितने भाई बहन हो? 2 बहनें हैं। माँ एक नजर, लड़की आप क्या बात, माँ एक नजर से देखे कोई भेद नहीं रखती, माँ एक नजर से देखे कोई भेद नहीं रखती, भगवान मिल जाते भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं क्या बात, माँ की करे भक्ति, तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ के लिए पूरी पूरी रात, हमने ना जाने हमने हमारी माँ के लिए कितनी रात जगी है वो हम तो मालूम नहीं, लेकिन माँ हर रात जगी है, बच्चे को खांसी भी आ जाती थी पूरी रात लगी बैठ देती है, कि दुख लागी है माँ तेरी अखियां, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए जागी है ये तो सारी तेरे लिए जाती है ये तो सारी सारी गलतियां, तेरे हंसने पे तेरे रोने पे माँ बलिहारी है, ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ, तू ही तो जन्नत मेरी मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना बोलूं मैं बस इतना ही बोलूं, माँ मैं प्रभु दिखता है ज्यादा ये वाला झुकाव है ना, ये एकदम परफेक्ट वाला झुकाव है, ऐसे झुको सही झुको एकदम, आशीर्वाद देने का तरीका होता है, कुछ बोलना चाहते हैं, आशीर्वाद देने का एक तरीका होता है सर, आप भले ही नहीं झुकोगे ना और माँ के पास ऐसे भी कर दोगे ना तो माँ बाप का हाथ तो आपके सर पे हमेशा आएगा ही आएगा, वो कभी ये नहीं कहेगी कि पूरा झुक, लेकिन एक तरीका होता है अगर कुछ लेना है तो किस तरह झुका जाता है, तुझ में प्रभु दिखता है ज्यादा मैं क्या कहूँ, चरणों में सर झुकता है ज्यादा मैं क्या कहूँ, तुझ में प्रभु दिखता है ज्यादा मैं क्या कहूँ, हस्ती हस्ती
हंसती हंसती माँ में मूरत बसती, हंसती 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 माँ में मूरत बसती, माँ में मूरत बसती, माँ में मूरत बसती। बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो। आइएगा अंतिम प्रस्तुति आज की इस भक्ति संध्या की, बेटी वाली रचना से पहले पिता की रचना और आज की इस भक्ति की अंतिम रचना। मैं चाहूंगा एक दो पिता मेरे को चाहिए और दो लड़के चाहिए साथ में, अपने आपके बच्चे यहाँ पर हो तो वो, और दो पिता होंगे। हाँ बड़े होंगे तो और भी अच्छा रहेगा थोड़ा। हाँ लिखा लिखे थोड़े बड़े वाले चाहिए, बड़े लड़के। हाँ इनको भी ले आओ तो जल्दी जल्दी, देखिए 11:15 बज गई है, लेकिन एक चढ़ावा चल रहा था उसको मैं पूरा कर दूं क्योंकि सुबह वो चाहिए। जाजम बिछाने का चढ़ावा 15,555 सुबह जाजम बिछानी सभा में 15,555 एक, 15,555 दो, 15,555 जो भी बोली लेगा वो सुबह 9:15 यहाँ पर रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। 15,555 एक, 15,555 दो, 15,555 ढाई, 18,000 जो भी जा रहे हैं उनसे निवेदन है, लास्ट एक रचना है उसके बाद जाना ही है, मैं अभी छोड़ूंगा। हाँ एक रचना है भाभी जी, खाली एक रचना सुन के जाइए। हाँ 22,222 कल सुबह जाजम बिछाने का, प्रतिष्ठा की जाजम, सारे चढ़ावे उसमें बोले जाएंगे और जो लाभार्थी ये जाजम बिछाएगा उसको पूरे चढ़ावों का लाभ मिलेगा। हाँ साहब 22,222 एक, 22,222 दो, 22,222 ढाई, 22,222 पौने तीन और 22,222 आदेश साहब 22,222 22,222 15 वाले सावधान, 18 वाले यहाँ पे जो खड़े थे वो सावधान। 22,222 22,222 एक, 22,222 दो, ढाई पौने तीन और 22,222 आदेश दे रहा हूं, 22,222 आदेश दू पीछे दृष्टिकोण, 22,222 आदेश दू, 22,222 एक दो ढाई पौने तीन और 22,222 तीन बार बोल सुमतीनाथ भगवान की जय, नाम बोलो। विजय कुमार जी, मनोज कुमार जी, ललेश कुमार जी, चौधरी नागौर, हाल मुकाम कलकत्ता रसगुल्ला। हाँ मीठे मीठे कोलकाता, बहुत बहुत आभार, अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। सुबह 9:15 ठीक आप यहाँ पधारिएगा और आइएगा आज की भक्ति की आखिरी प्रस्तुति पिता के लिए गा के आज की भक्ति हम पूरी करेंगे। मात्र 2 से 4 लाइन पापा के लिए गाता हूँ, क्या कहता हूँ सुनना, पिता ने जीवन में हमारे क्या किया, एक अंतरा सुनाता हूँ सुनिएगा। और जो पिता इधर आगे आ जाइए, आगे आ जाइए मेरे पास आ जाइए। आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया और आपके तो आगे इधर आ जाइए मेरे पास आ जाइए। जिसके जीवन में पिता नहीं है उसका जीवन ऐसा होता है मानो उसके पास में 50 करोड़ सामने पड़ा है लेकिन उसमें से वो 1 रुपया निकाल नहीं सकता, उसका जीवन ऐसा हो जाता है। जब पिता की छाया, पिता का हाथ सर से हट जाता है। आपके बच्चे आपके साथ यहाँ खड़े हैं आज, पापा के लिए कहता हूँ सुनना, आपके पापा भले ही नहीं है लेकिन जो भी आपके अंदर व्यवहारिक जीवन का जो भी आपके अंदर सीख है ना वो आपके पिताजी की दी हुई है। माँ जो सिखाती है जीवन में क्या सिखाती है, प्रेम। बच्चा समझिए सुबह उठता है, उठने का समय होता है उसके 7 बजे का, 7:30 बज जाए ना तो पिता रूम में घुसता है और उस लड़के को कहता है, डांटता है, तो उसको बचाने के लिए कौन आती है, माँ आती है। इसलिए माँ अच्छी लगती है, जीवन का दस्तूर है, जो बचाता है वो अच्छा लगता है, जो डांटता है वो खराब लगता है, इसलिए पिता खराब लगता है, खराब होता नहीं है। पिता करता क्या है वो सुनना, पिता जीवन में क्या करता है। कि पिता चिंता तक चिंता करता, पिता कहां तक चिंता करता है अपनी संतान की सुनना। पिता चिंता तक चिंता करता है अपनी औलाद की, कि पिता चिंता तक चिंता करता है अपनी औलाद की, दिल है पिता का
मोम के जैसा, दिल है पिता का मोम के जैसा, और पाहे हैं फौलाद की। पापा के लिए ताली खुल के बजाओ, ये पापा की बाएं नहीं होती तो पूरा परिवार एक नहीं होता साहब। जीवन में जब भी कोई तकलीफ आती है ना परिवार पे, तो पिता ही होता है जो पूरे परिवार को समेटता है अपनी बाहों में और कहता है टेंशन लेने का काम नहीं, पिता जब तक बैठा है तब तक आपको कोई टेंशन लेने का। ये बाप विश्वास दिलाता है, इसलिए कहता हूँ सुनना। पिता चिता तक चिंता करता है अपनी औलाद की, पिता चिता तक चिंता करता है अपनी औलाद की, दिल में पिता का मोह जैसा, पाहे हैं औलाद की, दिल में पिता का मोह जैसा, पाहे हैं औलाद की। का आदर सम्मान नहीं करते उनके साथ में जीवन में क्या होता सुनना। कदर पिता की जो नहीं करता आखिर वो पछताता है, कदर पिता की जो नहीं करता आखिर वो पछताता है। आपके पिता नहीं है, पिता के बिन जीवन का सफर ये अग्नि पथ बन जाता है, के पिता के बिन जीवन का सफर ये अग्नि पथ बन जाता है। सही बात है, सही बात। कि पिता ही खुश होता है देखकर उन्नति अपनी औलाद की, कि पिता ही खुश होता है देखकर उन्नति अपनी औलाद की, दिल है पिता का मोह के जैसा, और पाहे हैं फौलाद की, दिल है पिता का मोह के जैसा, पाहे हैं फौलाद की, पिता चिता तक चिंता करता है अपनी औलाद की, पिता चिता तक चिंता करता है अपनी औलाद की, अंकल उठना नहीं है, ये गीत हो गया, ब्लैक बजाई कर रहा हूँ बैठे, आप पूरी भक्ति में बैठे हो, लाभ मिलेगा अंकल, इतना इतना तो अनादर करके मत जाइए, पूरी भक्ति का लाभ मिलेगा, बधाई कर रहा हूँ दो मिनट में, वरना नहीं मिलेगा, इतनी देर तक बैठे व्यर्थ हो जाएगा। यस सर, आप बैठिए आराम से, मैं बधाई अलग सुना रहा हूँ एकदम। हाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जी जागे जब हमको आवाज दो, हम गए यही हम गए यहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इनके सिवा जाना कहाँ, नाथ दी बधाई प्रभु दी बधाई, नाथ दी बधाई बाजे छे, शरणाई सुर लोकत बाजे, और घर घर बाजे गे छे, नाथ दी बधाई प्रभु दी बधाई, नाथ दी बधाई बाजे छे, ओ मारा नाथ की बधाई बाजे बाजे।
शासन रक्षा परिवार से विशेष अनुरोध है, ठीक 7:30 बजे